जलवायु परिवर्तन की समस्या वर्तमान में दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। बढ़ते समुद्र जल के स्तर और मौसम के बदलते पैटर्न ने हजारों लोगों के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दुनिया के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है। इसी बीच जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम चला रहे संगठनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का वादा किया है। अगर अमेरिका यह कदम उठाता है तो निःसंदेह धरती को बचाने की मुहिम में तेजी आएगी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल दुनिया के 195 देश साल 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठा हुए, जिसमें वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक नया वैश्विक समझौता किया गया, जो जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने की दृष्टि से एक प्रभावी कदम माना गया। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी के वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2016 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने के साथ ही पेरिस जलवायु समझौते से अपना किनारा कर लिया था। उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कुछ नहीं होता, यह बस भारत और चीन जैसे देशों के द्वारा खड़ा किया गया एक नाटक है, जो विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की समस्या के नाम पर पैसा लूटना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव जीतने के बाद यह वादा किया कि अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा बनेगा। यह क्लाइमेट चेंज कार्यकर्ताओं और संगठनों के अलावा उन कई विकासशील देशों के लिए एक हौसला बढ़ाने वाली खबर है, जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव झेल रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली देश, जो कि आज चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, उसके फिर से इस पेरिस जलवायु समझौते में वापस आने से इस समझौते को एक मजबूती मिलेगी। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान किया है कि कोरोना से रिकवरी की मुहिम का असर क्लाइमेट चेंज की लड़ाई पर नहीं पड़ेगा। चीन कहने को तो विकासशील देश है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था न केवल सबसे बड़ी है बल्कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हैरत की बात नहीं है कि चीन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में नंबर 1 है और अपने निकट प्रतिद्वंदी अमेरिका से बहुत आगे। चीन न केवल कार्बन के उत्सर्जन को अंधाधुंध बढ़ा रहा है, बल्कि वह दुनिया के गरीब विकासशील देशों में कोयले और दूसरे जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा भी दे रहा है। बात यही नहीं रुकती, जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के बावजूद ज्यादातर देशों ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपना अपडेट प्लान ही नहीं जमा किया। इसके तहत दुनिया के सभी देशों को 31 दिसंबर तक यह बताना था कि साल 2030 तक कार्बन इमिशन कम करने के घोषित कदमों को वो कैसे और कड़ा बनाएंगे। हालांकि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन समेत कुल 70 देशों ने अपना प्लान जरूर जमा किया, लेकिन चीन, भारत, कनाडा, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपना प्लान ही नहीं जमा किया। कोरोना महामारी ने दुनिया के तमाम शासकों और सरकारों को यह अवसर दिया कि वो इसकी आड़ में आर्थिक नुकसान की भरपाई तो करें ही, इन सबके साथ क्लाइमेट चेंज के लिए किए गए अपने संकल्प पर भी ध्यान दें। अध्ययन बताते हैं कि तमाम दबाव के बावजूद दुनिया भर की सरकारों ने अपनी आर्थिक रिकवरी पैकेज में क्लाइमेट चेंज जैसे विषय को नज़रअंदाज किया है और व्यापार को ही तरजीह दी है। विवंड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 17 बड़े देशों ने अपने कोरोना रिकवरी पैकेज में 3.5 लाख करोड़ डॉलर उन सेक्टरों को दिए जिनके कामकाज से पर्यावरण पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। आइए अब बात करते हैं भारत तथा उसके द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रयासों के बारे में। वैसे तो भारत हमेशा से ही यह बताने से नहीं चुकता कि हम एक जिम्मेदार देश के रूप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए प्रयासों की वजह से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को टॉप 10 में रखा गया। ये लगातार दूसरी बार है जब भारत टॉप 10 में शामिल रहा। हालांकि भारत के लिए चिंता के कुछ सबब भी हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भारत की स्थिति तमाम घोषणाओं के बावजूद बहुत अच्छी नहीं है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट रियलिटी से निपटने के लिए भारत की तैयारियां काफ़ी कमजोर रही है। इस रिपोर्ट में भारत कुल 181 देशों के लिस्ट में 89 स्थान पर है, यानी जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हमारी तैयारियां बहुत कम है। दक्षिण एशिया में क्लाइमेट रिस्क की वरीयता में भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद चौथे नंबर पर है। हाल तो यह है कि श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देशों की तैयारियां हमसे बेहतर हैं।